ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास नाइन्थ में मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में जो है हम लोग मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, रेस्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स, अपने कॉन्टेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ पाए और फिजिक्स पढ़ पाए, उसको समझ पाए, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा क्या है कि आज के लेक्चर में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्पीड को, है ना। कोई भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, कोई भी बॉडी के मोशन को अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए हमको तीन चीज के बारे में बात करना होगा, है ना। तीन चीज में क्या क्या है, स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा जो है वो है क्या, एक्सेलरेशन। ये तीन चीज पर हमको बात करना होगा अगर किसी बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी आज के लेक्चर में जो है हम लोग स्पीड को पढ़ने वाले हैं, है ना। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे और फिर एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, है ना। तो स्पीड हम लोगों को क्या बताता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग रोड पर चल रहे हैं, कोई गाड़ी हमारे साथ है, कार है या फिर बाइक है, जो भी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो बहुत तेज चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर वो बहुत धीरे चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि स्पीड जो है वो बहुत कम है, है ना। मींस हम लोग बोल सकते हैं स्पीड स्पीड गिव्स अस आइडिया अबाउट द स्लो एंड फास्टनेस, है ना, फास्ट, हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, है ना। मींस हम लोगों को स्पीड क्या बताता है, हाउ स्लो और हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, है ना। मींस स्पीड हम लोगों को किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ स्लो और हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, है ना। मींस हम लोग को यह बताता है कि स्पीड जो है वो हम लोगों को यह बताता है कि कोई बॉडी जो है वो चल रहा है वो कितना धीरे चल रहा है और कितना स्पीड, मींस कितना तेज चल रहा है, है ना। तो स्पीड जो है हम लोगों को इस तरह का इंफॉर्मेशन देता है, है ना। तो स्पीड को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना। मिस पर यूनिट टाइम जो बॉडी है हमारा वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पीड, है ना। स्पीड जो है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, है ना। इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, स्पीड को जो है हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं किस तरह से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। स्पीड को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी
covers a distance s in time t second, then speed है ना, speed को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं s by t, where s is the distance, t is the time taken and v is the स्पीड, है ना, v क्या है, स्पीड है। हम लोग स्पीड को मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अगर कोई एक बॉडी जो है वो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है t सेकंड में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं v, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, तो स्मॉल v विल बी इक्वल्स टू s बाय t, है ना। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, कैलकुलेटिंग स्पीड। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक कार है ना, ठीक है, इफ अ कार कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, है ना, 4 घंटे में एक कार जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी को तय करता है ना, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, s by t is equals to what, 100 by 4, है ना, 100 किलोमीटर by 4 आवर, स्पीड इज इक्वल्स टू s by t, दैट इज 100 किलोमीटर by 4 आवर, तो इट विल बी 25 किलोमीटर पर आवर। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो कार है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है ना, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है। मींस वो एवरी आवर, द कार इन एवरी आवर इज गोइंग टू कवर 25 किलोमीटर्स, है ना। मींस वो कार जो है वो प्रत्येक घंटा 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाला है। एसआई यूनिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या लिखे, v इज इक्वल्स टू s बाय t, है ना। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है ना, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। और इसको जो है हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, स्पीड का जो है बड़ा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या है, अभी हम लोग देखें क्या है, किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, किलोमीटर पर आवर, है ना, और फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर आवर इनवर्स, है ना, फिर इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, स्पीड का बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। स्मॉलर यूनिट क्या है, स्मॉलर यूनिट क्या होगा, तो स्मॉलर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर बाय सेकेंड, है ना, ये सेंटीमीटर और ये किलोमीटर में यहां पे आर ई होगा, यहां पे आर ई होगा, ठीक है, सेंटीमीटर बाय सेकेंड, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड,
और इसको हम लोग सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, है ना, मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड और फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, किलोमीटर पर आवर, है ना, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट्स फॉर स्पीड, दीज आर द यूनिट्स फॉर स्पीड एंड दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। अब जो है हम लोग एक चीज और इसमें भी समझेंगे कि स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोगों के गाड़ी में जो है एक मीटर लगा हुआ होता है, है ना, एक मीटर लगा हुआ रहता है जिसमें जो है एक कांटे की तरह एरो वाला जो है सिंबल वाला कांटा रहता है, वो कांटा जो है डिफ्लेक्ट करता रहता है, है ना, वो कांटा जो है हम लोगों को स्पीड जो बताता है वो किलोमीटर पर आवर में बताता है, है ना, और उस मीटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पीडो मीटर, है ना, स्पीडो मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो है हम लोगों के गाड़ी का स्पीड को मेजर किया जाता है और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग अपने गाड़ी का स्पीड को जो है उसको देख पाते हैं। उसमें एक और मीटर लगा हुआ होता है जिसमें जो है हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं, है ना, और उस डिस्टेंस मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, है ना, मींस ये जो है स्पीड मेजर करने का काम करता है, स्पीड मेजरिंग, है ना, और ये जो है वो डिस्टेंस मेजरिंग का काम करता है, है ना, मींस स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करने का काम करता है और ऑडोमीटर जो है डिस्टेंस मेजर का काम करता है, है ना। ये स्पीडोमीटर और ये ऑडोमीटर दोनों हमारे गाड़ी में, कार हो या फिर बाइक हो या फिर जो भी गाड़ी है उसमें लगा हुआ होता है। आगे इसमें एक और टर्म आता है, दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जो है गाड़ी का जो है हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं कि टोटल डिस्टेंस, है ना, कवर्ड बाय दैट बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, है ना, एवरेज स्पीड इट इज द मेजर ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, है ना, मींस एवरेज स्पीड को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड को जो है हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। This is the mathematical expression for the average speed of any body, है ना, किसी भी body के average speed को निकालने का जो है ये एक mathematical expression है, है ना, और average speed ही जो है हमारे गाड़ी का, हमारे कार का जो है वो actual speed बताता है,
है ना। एवरेज स्पीड कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यदि हमको मिल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड हमको बताया जा रहा है, तो दिस इज द एवरेज स्पीड। मींस जो है मेरा कार जो है इस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहने का मतलब है कि जितना ट्रेवल हम डिस्टेंस किए और जितना टाइम उसमें लगा, उसी का जो है ये एवरेज स्पीड है, उसी का ये क्या है, ये रेशियो है ना, उसी का रेशियो है जो कि हमको एवरेज स्पीड बता रहा है। ये जो है ऐसा नहीं है कि इससे तेज मेरा कार नहीं चला होगा या इससे कभी धीमा नहीं चला होगा, है ना। कांस्टेंट स्पीड में किसी गाड़ी को चलाना उतना आसान नहीं होता है ना। किसी भी गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड में चला पाना उतना आसान नहीं होता है। रोड में जो है ब्रेकर्स है, रोड में ट्रैफिक्स है, तो वहां पे गाड़ी का स्पीड जो है अप डाउन होता रहता है ना। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, मींस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, है ना। मींस जितना डिस्टेंस हम टोटल ट्रेवल किए और जितना टोटल टाइम लगा, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा उस बॉडी का। अब इसमें एक अगला टर्म और आता है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको जो है हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखिए, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना। मींस क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर हो रहा है उस बॉडी के द्वारा, वो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल है ना, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना। मीन्स किसी बॉडी के द्वारा अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो उस स्पीड को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, और उसको हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है ना। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।